तो अभी आपके पीछे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, तो आप इन तरीकों से आप मधुमक्खियों से छुटकारा पा सकते हैं। मधुमक्खियां बड़े से बड़े जीव और छोटे से छोटे कीड़े से भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये एक साथ झुंड में जो हमला करती हैं। अगर मधुमक्खियां ऊंचाई पर उड़ रही हैं, तो इसका मतलब है वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रही हैं। लेकिन वो नीचे नीचे उड़ रही है तो उनको कोई खतरा महसूस हो रहा है, वैसे में वो किसी में भी अटैक कर सकती है। अगर आपको मधुमक्खियों ने देखा है तो आप नीचे जमीन पर लेट जाएं और बिल्कुल ना हिले, और आपके पास जो भी है जैसे बैग या जूता उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंके, जिससे मधुमक्खियां कुछ समय या कुछ उस डायरेक्शन में चली जाएंगी। अगर आपके आसपास कीचड़ दिखाई दे रहा है तो आप कीचड़ लगा ले, और ऐसा समय में कोशिश कीजिए कि किसी अंधेरी जगह में जाने के लिए, क्योंकि मधुमक्खियां अंधेरी जगह में नहीं जाती। यदि ये सब चीजें वहां पर मौजूद नहीं है, आप सीधे रास्ते में तेज दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है मधुमक्खियां अपने छत्ते को छोड़कर ज्यादा दूर किसी का पीछा नहीं करती।